हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनू किचन। मैं तनुश्री, स्वागत को मेरे चैनल में आपका। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ उड़द दाल की सब्जी, जो चिकन से भी बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये आप रोटी या चावल किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सबसे पहले मैं इधर आधा कप बिना छिलके का उड़द डाल ली है। अब हम इसको एक बोल में ले लेते हैं। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसको मसल मसल के हम धो लेते हैं। फ्रेंड्स, इस उड़द दाल को हम कम से कम 3-4 बार हम वॉश करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमने उड़द दाल को 3-4 बार वॉश कर ली है। अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देते हैं। पानी देने के बाद 3-4 घंटे के लिए इसको भिगो के रख देते हैं। फ्रेंड्स, 4 घंटे हो गए हैं, हमारा उड़द दाल जो है वो अच्छी तरह से फूल गए हैं। अब हम इसको एक मिक्सिंग जार में ले लेते हैं। फ्रेंड्स, उड़द दाल को हमने एक मिक्सिंग जार में ले ली है। अब हम इसमें एक अदरक का टुकड़ा और एक हरी मिर्च डाल देते हैं और इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो उड़द दाल को हमने मिक्सी में ग्राइंड कर ली है। अब हम गैस में चले जाते हैं। सबसे पहले गैस में एक कढ़ाई बिठा देते हैं हम। कढ़ाई जब हल्का गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 टीस्पून सोयाबीन ऑयल डाल देते हैं। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। अब हम ऑयल को गर्म होने तक हम वेट करते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ उड़द दाल को डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ऑयल के साथ। उड़द दाल को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है ऑयल के साथ। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। मैं 2 चम्मच से आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब हम 2 चम्मच से आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम में कम से कम 5-7 मिनट तक इसको हम लगातार चलाएंगे और इसको हल्का सा ड्राई करेंगे, ज़्यादा ट्राई नहीं करेंगे हम। फ्रेंड्स, 5-7 मिनट हो गया है, हमारा उड़द दाल का बैटर जो है अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमने स्टील का थाली ले ली है। अब हम इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो ब्रश से भी आप ग्रीस कर सकते हो, मैं इधर हाथ से कर रही हूँ। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से दिखा रही हूँ। अब हम इसमें बैटर को डाल देते हैं। बैटर को डालने के बाद अच्छी तरह से हम हाथ की मदद से इसको एक समान कर लेते हैं चारों ओर से। आप देख सकते हो मैं किस टाइप से कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमने बैटर को अच्छी तरीके से चारों ओर से एक समान कर ली है। अब हम इसको चाकू की मदद से कट कर लेंगे। बहुत ही धीरे धीरे इसको कट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप चाहे तो किसी भी शेप में आप कट कर सकते हो। हमने इसको बर्फी की शेप में कट कर ली है। अब हम कुछ मसाला मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। मैं इधर एक मीडियम साइज का प्याज कट करके ली है, एक अदरक का टुकड़ा ली है, 3 हरी मिर्च, 7-8 लहसुन का कलियां और 2 मीडियम साइज का टमाटर मैंने कट करके ली है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सी में हम एक साथ ग्राइंड कर लेते हैं।
अब हम गैस में एक पैन बिठा दिया है। पैन जब गर्म हो जाए तब हम इसमें 2 टीस्पून सोयाबीन ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को गर्म होने तक हम वेट करते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें बर्फी को डाल देते हैं और इसको हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम में रखेंगे। फ्रेंड्स, सारे बर्फी को हमने दे दी है। फ्रेंड्स, हमने जो कट की थी साइड से जो टूटा फूटा बर्फी है उसको भी हम यूज़ करेंगे सब्जी में, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, एक साइड से बर्फी लाइट ब्राउन हो गया है, इसको हम पलट के देते हैं दूसरी साइड से। बहुत ही धीरे धीरे करना पड़ेगा नहीं तो ये टूट जाएगा। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होता है, आप घर में जरूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, सारी बर्फी अच्छी तरह से लाइट ब्राउन हो गया है, इसको हम एक प्लेट में ले लेते हैं और बाकी का जो टूटा फूटा बर्फी है उसको भी हम अच्छी तरह से लाइट ब्राउन करके ले लेते हैं। सारे बर्फी को हमने अच्छी तरह से लाइट ब्राउन करके फ्राई कर ली है। अब हम इसी पैन में 2 टीस्पून सोयाबीन ऑयल डाल देते हैं और को गर्म होने तक हम वेट करते हैं। फ्रेंड्स, ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून 5 फोरन डाल देते हैं। 5 फोरन देने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पाँच फोरन देने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच हींग, 1/4 टीस्पून अब हम इसमें डाल देते हैं गंडट किया हुआ मसाला। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है, अब हम इसको कम से कम 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे। पाँच मिनट हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच से 1 चम्मच हल्दी पाउडर। आप डाल देते हैं 1/4 चम्मच से 1 चम्मच नमक। नमक अब आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। आप डाल देते हैं 1/4 चम्मच से 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच से 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच से 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर देने से कलर बहुत अच्छा आता है। आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम में इसको कम से कम 10 मिनट तक हम इसको बुनेंगे। मसाला को अच्छी तरह से भुनना बहुत ही ज़रूरी है नहीं तो हमारा सब्जी ठीक नहीं बनेगा। दस मिनट हो गया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा मसाला जो है अच्छी तरह से लाइट ब्राउन हो गया है, यानी कि अच्छी तरह से भून के रेडी हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 ग्लास पानी। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और गैस का फ्लेम हाई करेंगे। अभी आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी यूज़ कर सकते हो। मसाले के साथ पानी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है, अब हम इसको अच्छी तरह से उबाल आने तक वेट करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ग्रेवी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब हम इसमें 1/2 नींबू आप निचोड़ के दे देते हैं। नींबू देने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है।
नींबू देने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला देने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं छोटे चम्मच से आधा चम्मच चीनी। चीनी देने से टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अब हम इसमें बर्फी को डाल देते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हो सारे बर्फी को हमने डाल दी हैं। इसको हम एक मिनट तक उबाल आने के लिए वेट करते हैं। एक मिनट हो गया है, आप गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। हमारा उड़द दाल की मसाला बर्फी बनके रेडी हो गया है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और रेसिपी के बारे में आपको कुछ जानना है कमेंट करें, मेरे चैनल को सबसक्राइब करें, आपकी फ्रेंड रिलेटिव सबके साथ शेयर करें। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे बहुत ही इजी और बहुत ही यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।